हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आई एस संसारी में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को निरस्त करने के संबंध में लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। क्या फैसला आया, इस बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लेकिन वो प्रेस कर लीजिए, ताकि कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट न्यूज आपको समय पर मिलती रहे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, परीक्षा निरस्त कराने के लिए दायर याचिका खारिज। जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट की तरफ से स्टूडेंट्स को बड़ा झटका दिया गया है। परीक्षाएं निरस्त कराने के लिए जो याचिका दाखिल की गई थी, वह हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। क्यों खारिज की है, चलिए जानते हैं यहाँ पर विस्तार से। लखनऊ विश्वविद्यालय की 7 जुलाई से प्रस्तावित वार्षिक परीक्षाओं को रद्द करने व छात्रों को मास प्रमोशन देने के लिए हाई कोर्ट में छात्रों की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी गई है। इसके साथ ही बीच में एक और न्यूज़ में आपको बताता चलूँ, लखनऊ में संक्रमण से 17वीं मौत हो चुकी है और 20 को संक्रमण। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की अपडेट यहाँ पर आपको मिल चुकी है और आप देख सकते होंगे लखनऊ में कितनी भयंकर स्थिति हो रही है, फिर भी स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। और जो उत्तर प्रदेश शासन है, उसने फिलहाल कमेटी गठित कर दी है। 3 दिन के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए या नहीं। फिलहाल हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स की याचिका को खारिज कर दिया है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर अपनी न्यूज़ पर, और यहाँ पर आप देख सकते होंगे न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकलपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि छात्र प्रत्यावेदन के जरिए अपनी समस्या लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखें। यहाँ पर हाईकोर्ट ने छात्रों को ये सुझाव दिया है कि स्टूडेंट्स की जो समस्याएँ हैं, वो सारी समस्याएँ स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं और हाईकोर्ट इसमें क्या करेगी। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे, बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के 19 जून के नोटिस व 23 जून को जारी परीक्षा कार्यक्रम को चुनौती देने वाली जतिन कटियार व वाइस अन्य छात्र छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई की गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता सवित्र वर्धन सिंह ने बताया कि वकालतनामे में मात्र एक छात्र का हस्ताक्षर है, जबकि याची 23 है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ना तो याचिका में उचित पक्षकार बनाए गए और ना ही उन शासनादेशों को चुनौती दी गई जिन्हें आधार बनाकर विश्वविद्यालय ने स्कीम जारी की है। सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया है। छात्रों की ओर से यह दायर याचिका का मुख्य आधार कोरोना महामारी को बनाते हुए कहा गया था कि ट्रेनों का पूरी तरह संचालन नहीं होने के कारण तमाम छात्र परीक्षा में आने में असमर्थ होंगे, पीजी में रहने वाले छात्रों को दिक्कत होगी और विश्वविद्यालय व कॉलेजों के छात्रावासों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन असंभव है। याचिका में यह भी कहा गया था कि विश्वविद्यालय के 3 प्रोफेसर व कुछ स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, ऐसे में संक्रमण फैलने का भी खतरा है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे लखनऊ के हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स के द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल अब उत्तर प्रदेश में परीक्षाएँ होंगी या नहीं होंगी, इस पर बहुत जल्दी निर्णय होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video।